आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। देश भर में आज दशहरा धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं विजयदशमी पर देश भर में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जा रहे हैं। चलिए आपको ले चलते हैं दिल्ली रामलीला मैदान में, जहां पर क्या रावण के पुतले को आज दहन किया जाएगा और वहां पे क्या इस समय माहौल है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रामलीला मैदान में आज रामलीला का मंचन चल रहा है। युद्ध के लिए सज हो जाओ। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक ही हम, दो जो नास्ते। एक ही हम, दो जो नास्ति, ना भूतो ना भविष्यति। सुख सुविधाएं दें उनको, कैसे खुश, और ऐसे लाडले मुख्यमंत्री आज हमारे बीच में हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से आप उनका अभिनंदन करें। ये हमारा परम सौभाग्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी से जब भी हमने दशहरे के ऊपर अनुरोध किया है, उन्होंने हमारे अनुरोध को हमेशा स्वीकार किया है। लव कुश रामलीला कमेटी का ये प्रयास होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा एक राम दरबार प्रवीण सिंघल जी और संजय वर्मा जी और प्रधान जी पवन गुप्ता जी, एक राम दरबार। संजय वर्मा जी, राम जी से तीर चलवाओ, पहले राम जी से तीर चलवाओ। दूसरा,
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां पे मौजूद हैं और उनकी उपस्थिति में आज रावण दहन का कार्यक्रम संपन्न होगा। आप ये दिल्ली से सीधे लाइव प्रसारण देख पा रहे हैं। विजयदशमी के अवसर पर असत्य पे जीत की ये उत्सव है। आप लोग सुनता नहीं, आप मुख्यमंत्री के हाथ में इंद्रधनुष दे दिया गया है। रावण का दहन करने का ये संकेत है कि बहुत जल्दी ही रावण का दहन होने वाला है और असत्य पे सत्य की जीत होने वाली है। विजयदशमी पर देश भर में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक के रूप में माना जाता है। आप दिल्ली से सीधा प्रसारण देख पा रहे हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने धनुष बाण से रावण पर तीर छोड़ा। अब वो यथास्थान पर बैठ के पूरे रामलीला का मंचन को देखेंगे। जय श्री राम। भाई साहब से प्लीज अनुरोध है, आप लोग यहां से हट जाएं। श्रीमान जी, मैं आप लोगों से कह रहा हूं, प्लीज एलईडी के पास से हट जाएं सब। सभी से निवेदन है एलईडी के पास से हट जाएं। पुतला देख पा रहे हैं, रावण का दहन हो चुका। साउंड चल रहा है जी हमारा। कुंभकर्ण के पुतले में आग लग चुकी है। असत्य पे विजय की जीत का ये त्यौहार विजयदशमी। दिल्ली की रामलीला से सीधा प्रसारण आप देख पा रहे हैं, जहां पर मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले का दहन हो चुका है।
आगे का कार्य करें। आज हम इस अवसर पर रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण का आज असत्य पे सत्य की जीत और उनका दहन आज समस्त देश देख रहा है। आज आप देख पा रहे हैं कि दिल्ली से हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद हैं और इस पूरे चंद्र भगवान की बोलो सियापति भगवान रामचंद्र की जय। आप देख पा रहे हैं प्रसारण देख पा रहे हैं जहां विजयदशमी पर देश में भर रहे रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जा रहे हैं। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई के जीत के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली में भी सीएम योगी द्वारा सीएम केजरीवाल द्वारा शासन प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के पूरे आदेश दिए जा चुके हैं। सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा असल में दो कहानियों से जुड़ा हुआ है। शारदीय नवरात्र की दशमी तिथि के दिन मां दुर्गा ने चंडी रूप धारण करके महिषासुर नामक असुर का वध किया था। मां दुर्गा ने लगातार 9 दिन तक महिषासुर और उसकी सेना से युद्ध किया था और 10वें दिन महिषासुर का अंत कर विजय प्राप्त की थी। इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण का वध किया था। राम ने 9 दिन तक माँ दुर्गा की उपासना की और 10वें दिन रावण पर विजय प्राप्त की, इसलिए इस त्यौहार को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। मेरी ओर से दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आने वाली दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूं आप सबके घर में खूब खुशियां दे, सबको खूब खुश रखे, आपके घर में सबको स्वस्थ रखे, खूब बरकत दे, आपकी सबकी मनोकामना पूरी हो। मुझे बेहद खुशी है आज इतनी भारी संख्या में आप सब लोग अपने अपने परिवार के साथ रामलीला देखने आए हुए हैं। ये बहुत जरूरी है। मेरे को याद है बचपन में हर साल रोज हम रामलीला देखने जाया करते थे। इससे हमें एक तरफ अपनी संस्कृति के साथ जुड़ते हैं और दूसरा भगवान राम के जीवन से हमें बहुत संदेश मिलता है। बच्चों में अच्छे गुण आते हैं। आप सोचो भगवान राम कितने बड़े त्यागी पुरुष थे। अगले दिन सवेरे उनका राज्याभिषेक होने वाला, राजा बनने वाले थे, और पिछले दिन रात को राजा दशरथ ने उनको अपने कमरे में बुलाया
और माता केकई कहती हैं कि 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ। सारी अयोध्या की जनता भगवान राम के साथ थी। अगर वो चाहते तो वो कह देते मैं तो नहीं जाता, मैं तो राजा बनूंगा, और जनता उनका साथ देती। लेकिन भगवान राम तो राम थे, भगवान थे, उन्होंने 2 मिनट भी नहीं सोचा। 2 मिनट के अंदर उन्होंने निर्णय ले लिया सारा राजपाट त्याग के। दिल्ली से रामलीला मैदान से लंका के दशानन रावण का आज रावण दहन हुआ। आज असत्य पर जीत हुई सत्य की। पर राम की अच्छाई की जीत हुई और बुराई पर अच्छाई की जीत। कैसा ये त्यौहार के रूप में दशहरा मनाते हैं। इस दिन रावण के साथ उनके पुत्र मेघनाथ और भाई कुंभकर्ण के पुतले को भी फूंका जाता है। आप सीधा प्रसारण देख पा रहे हैं जहां पे अरविंद केजरीवाल ने रावण दहन का हिस्सा बने और वहां पे लोगों को संबोधित भी किया और भगवान श्री राम की महिमा का भी गुणगान करते हुए नजर आए। उन्होंने संदेश देते हुए कहा कि बच्चों को भी पर एक सबको मिलाकर चलने वाली संस्कृत का प्रादुर्भाव का प्रतीक है। रावण केवल जलता नहीं बल्कि आसुरी प्रवृत्तियों को समाप्त करने का आह्वान होता है। सर आज देखा जाए तो मौसम खराब होने के बाद भी लोगों में उत्साह बहुत बड़ी देखने को मिली, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये रामलीला का अच्छा मंचन इस बात का प्रतीक है कि सुदूर क्षेत्रों से लोग और दूर दूर प्रदेशों से लोग आए हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जी, तो हमारे साथ सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं उनके विनाश का दिन है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज असत्य पर सत्य का विजय का दिन है। कैमरामैन विजय के साथ विभांशु, प्राइम टीवी, लखनऊ। आप जो दृश्य देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये दिल्ली रामलीला मैदान का है जहाँ पे अरविंद केजरीवाल मौजूद थे और उन्होंने लंका के राजा रावण का दहन में पूरा मौजूद रहे और वहाँ पे की जनता को संबोधित भी किया और उन्हें भगवान श्री राम के, पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन के बारे में भी बताया। उन्होंने बच्चों को भी संदेश देते हुए कहा कि भगवान श्री राम की जीवन से उनको सीखना चाहिए। सत्य पर सत्य की जीत का दिन है आज, विजयदशमी। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नवरात्र की समाप्ति होते ही रावण का दहन हुआ। भगवान श्री राम ने भी 9 दिन तक माँ दुर्गा की आराधना की थी, 9 रूपों की आराधना की थी, जिसके बाद माँ ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया था कि वो लंका के राजा रावण पर विजय प्राप्त करेंगे और उनके आशीर्वाद से उन्होंने रावण का वध किया। इसीलिए आज का दिन असत्य पे सत्य की जीत का दिन कहा जाता है। जा रहा है वही विजयदशमी के इस पावन पर्व पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला फूंका गया, जिसमें बड़ी संख्या में जनता मौजूद रही और इसकी साक्षी बनी। ये आप दिल्ली से रामलीला मैदान से ये लाइव फुटेज देख पा रहे हैं।
जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद रहे और उन्होंने जनता को संबोधित किया। खुद उन्होंने धनुष बाण चलाते हुए असत्य पर सत्य की जीत का संकेत दिया। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक के रूप में माना जाता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को अलर्ट पर रखा है। आइए थोड़ा सा इसके इतिहास पर भी नज़र डालते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा असल में दो कहानियों से जुड़ा हुआ है। पहली, शारदीय नवरात्रि की दशमी तिथि के दिन माँ दुर्गा ने चंडी रूप धारण करके महिषासुर नामक असुर का वध किया था। माँ दुर्गा ने लगातार 9 दिन तक महिषासुर और उनकी सेना से युद्ध किया था और 10वें दिन महिषासुर का अंत कर विजय प्राप्त की थी। इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण का वध किया था। राम ने 9 दिन तक माँ दुर्गा की उपासना की और 10वें दिन रावण पर विजय प्राप्त की। इसीलिए इस त्यौहार को विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है। रावण के बुरे कर्मों पर राम की अच्छाई की जीत हुई थी और बुराइयों पर अच्छाई की जीत के त्यौहार के रूप में दशहरा को मनाते हैं। इस दिन रावण के साथ पुत्र मेघनाद और भाई कुंभकर्ण के पुतले भी फूके जाते हैं, जैसा कि अभी आपने स्क्रीन पर देखा। विजयदशमी विजय का दिन है। कुछ लोग इस दिन को रामायण के संघर्ष से भी जोड़ते हैं। अन्य लोग इसे राक्षसी महिषासुर व देवी दुर्गा की विजय की याद में भी इसे मानते हैं। देश के कुछ क्षेत्रों में दशहरा दीपावली महोत्सव के रूप में मनाते हैं। दशहरा के 20 दिन बाद दीपावली है। रावण पर अपनी जीत के बाद भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद भी घर लौटे थे। इस दौरान अयोध्या वासियों ने भी घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया। इसी दिन बाद में दीपावली के त्यौहार के रूप में भी मनाया जाता है। मुख्य संदेश बुराई पर अच्छाई के जीत का है और इस दिन लोग समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना भी करते हैं। अपने पर्स मोबाइल चैन कृपया सभी से अनुरोध है उनका विशेष ध्यान रखें। बाकी लोग ध्यान रखें ना रखें। बस कुछ ही मिनटों में ये प्रोग्राम चालू होने वाला है। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना कीमती समय निकालकर इस पंडाल में आए। हम हृदय से आभारी हैं पूरी लवकुश रामलीला कमेटी, प्रधान श्री अर्जुन कुमार जी और महासचिव श्री सुभाष गोयल जी और कमेटी के सभी वरिष्ठ सदस्यों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद देता हूं। जो भी लीला आप देख रहे थे ये शिव प्रवेश इवेंट के सौजन्य से देख रहे थे, जिसके डायरेक्टर प्रवेश कुमार जी, जिसके लीला मंत्री श्री प्रवीण सिंगल जी और जो आप ये भव्य सेट देख रहे हैं
आज पूरे देश भर में विजयदशमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जा रहे हैं। सत्य पे असत्य पे सत्य की जीत का ये पावन त्यौहार, जिसमें रावण का वध हो रहा है, इस खबर पर हमारे साथ सुल्तानपुर से आशुतोष जुड़ चुके हैं। आशुतोष, रावण दहन को लेकर आपके पास वहां पे क्या जानकारी है और लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें आज रावण दहन का जिसको लेकर जगह जगह पे प्रशासनिक द्वारा तैयारी भी पूरी कर ली गई थी। यहां तक ऊपर से भी जो आदेश आया था योगी आदित्यनाथ के द्वारा या मुख्यमंत्री द्वारा, जो भी ऊपर से आदेश आया था, एक कार्यक्रम को लेकर त्योहार को लेकर जगह जगह प्रशासनिक को तैनात कर दिया गया था। कोई भी क्राइम, कोई भी घटना को इसका कोई अंजाम नहीं देगा, अफवाह पर ध्यान नहीं देगा, उसी को आज मद्देनजर देखते हुए लगातार जो है कार्यक्रम को जो है सफल बनाने के लिए प्रशासनिक का जो है संपूर्ण तरीके से तैयारी हो गई थी। आज अगर हम बात करते हैं सुल्तानपुर की, सुल्तानपुर में जिस तरह एक महोत्सव होना था, महोत्सव को लेकर जो भीड़ होनी थी, उसके दौरान बारिश होने के कारण पूरा जो मेले का आज जो है फीका नजर आ रहा है कुछ। जी आशुतोष, कई जिलों में भारी बारिश हुई है, जिसके कारण से आज जो रावण दहन का उत्सव था ये थोड़ा काफी फीका रहा होगा। तो वहाँ पे आपको कितनी भीड़ वहाँ पे दिखाई दी और श्रद्धालु कितनी बड़ी संख्या में आपको आज दिखाई दे वहाँ पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें आज ये मौसम खराब होने के कारण जिस आज भीड़ होनी थी लगभग 1000-2000 की संख्या में, वहाँ आज कुछ ही भीड़ कम संख्या में दिखाई दी है। लगभग अगर बात करते हैं 200-300 के बीच में जनता की भीड़ रही होगी। और यहाँ पे अगर हम बताते चले कि आपको, हर साल जो यहाँ का रावण दहन हुआ है, कम से कम बाहर के जिलों से लेकर या सुल्तानपुर जिलों को लेकर कम से कम जो है 2-3 हजार संख्या में भीड़ होती है। वहाँ चलने की जगह भी नहीं मिलती थी, लगातार प्रशासन की भी एक हिसाब से व्यवस्था वहाँ बनी रहती थी। आशुतोष, वहाँ के लोगों में कितना उत्साह देखने को मिला था, क्योंकि आज बारिश हो गई थी तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनका मनोबल भी थोड़ा सा कम रहा होगा? जी बिल्कुल, आपको बता दें इस साल जो है जैसे होता क्या है, जगह जगह पे जो है नवरात्रि में जो है दशहरा शुरू होता है, उसके बाद जो है गणेश, उसके बाद जो है रावण दहन होता है, उसके बाद जो है विसर्जन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे नवमी के बाद से ही जो है दशमी मनाई जाती है। दशमी के बाद से जो है सुल्तानपुर का एक ऐतिहासिक रूप से जो है दुर्गा पूजा का परंपरा जो है शुरू हो जाती है, जो कुछ ही लोगों में जो है आज जो है 50वां साल भी उसको को जो है बड़ी ही धूमधाम से मनाने की तैयारी भी कर लिए थे। मौसम के हिसाब से अगर हम बात करें, यहाँ तो आज मौसम में लगभग 6:30 बजे से बारिश हो रही है, अभी तक बारिश बंद होने का नाम नहीं लिया है, लगातार ही बारिश का संकेत ये दे रहा है। हो सकता हो अगर लगातार बारिश होता रहा कार्यक्रम को लेकर फीका भी दिखाई दे सकता है, या हो सकता है रद्द भी किया जा सकता है। आशुतोष, कहा जा सकता है कि आज रावण दहन से पहले रामलीला का मंचन उस स्तर पे नहीं हो पाएगा जिस स्तर पे होना चाहिए था, और उतनी ज़्यादा श्रद्धालु भी वहाँ पे नहीं मौजूद रह पाए होंगे जिस तरह से उनको होने चाहिए थे। फिलहाल श्रद्धालुओं का क्या कहना था इस पे? जी बिल्कुल, हम बता रहे हैं कुछ श्रद्धालु का चर्चा विषय बन गया था। अगर इस लगातार बारिश होता रहा, साल दो साल में जो एक बार एक धार्मिक कार्यक्रम मनाया जाता है, इस धार्मिक कार्यक्रमों को फीका पड़ जाना या जो है बारिश के कारण कोई बात समस्या खड़ी हो जाना, लोगों का स्थापन लोगों का जो है खत्म हो जाता है। आशुतोष, इस खबर पर हमारे साथ बने रहिएगा। जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सुल्तानपुर से हमारे पास ये विजुअल आए हैं जिसमें रावण दहन किया जा रहा है। बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने भी कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए पूरे निर्देश दिए थे। जहां जहां भी लंका दहन का ये कार्यक्रम हो रहा है वहां पे पुलिस को सख्त निर्देश दिए थे कि वहां पे कोई भी अप्रिय घटना ना घट पाए। पूरा देश विजयदशमी मना रहा है। हमारे साथ सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री विदेश शर्मा जी हैं। सर, आज असत्य पे सत्य की विजय का दिन है, क्या कहें? असत्य पर सत्य की विजय, आज पूरा देश विजयदशमी मना रहा है। हमारे साथ सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री विदेश शर्मा जी हैं। सर, आज असत्य पर सत्य की विजय का दिन है, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, रामलीला का मंचन ऐतिहासिक है और ये बहुत बड़ा संदेश है। आसुरी प्रवृत्तियों के स्थान पर एक
एक सबको मिलाकर चलने वाली संस्कृत का प्रादुर्भाव का प्रतीक है। रावण केवल जलता नहीं बल्कि आसुरी प्रवृत्तियों को समाप्त करने का आह्वान होता है। सर आज देखा जाए तो मौसम खराब होने के बाद भी लोगों में उत्साह बहुत बड़ी देखने को मिली, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये रामलीला का अच्छा मंचन इस बात का प्रतीक है कि सुदूर क्षेत्रों से लोग और दूर दूर प्रदेशों से लोग आए हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जी, तो हमारे साथ सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं उनके विनाश का दिन है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज असत्य पर सत्य का विजय का दिन है। कैमरामैन विजय के साथ विभांशु, प्राइम टीवी, लखनऊ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्राइम टीवी के रिपोर्टर विभांशु ने पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी से बात करी और उन्होंने, दिनेश शर्मा ने खुद कहा कि ये असत्य पर सत्य की जीत है। शारदीय नवरात्रि के खत्म होते ही दसवीं तिथि के दिन माँ दुर्गा ने चंडी रूप में महिषासुर का वध किया था और भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। आज से ठीक 20 दिन बाद दीपावली का दिन पड़ेगा, जब भगवान श्री राम लौट के अयोध्या वापस आए थे तो वहाँ की जनता ने भगवान श्री राम के स्वागत के लिए दीपोत्सव का आयोजन किया था, जिसकी वजह से दीपावली मनाई जाती है। दहन का विजुअल देख पा रहे हैं, जहां पे राम और रावण की युद्ध की प्रस्तुति चल रही है। ये नाटक का मंचन आप देख पा रहे हैं और भगवान श्री राम के रूप में रावण का दहन किया जा रहा है। अब आपको सीधे हम ले चलते हैं लखनऊ के ऐशबाग स्थित रामलीला मैदान में, जहां पे हमारे संवाददाता विभांशु वहां मौजूद हैं। विभांशु, वहां की इस समय क्या स्थितियां हैं, क्योंकि सुबह से बारिश हो रही थी, और वहां पे इस समय क्या तैयारियां आपको दिख रही हैं? वहां पे इस समय रावण दहन को लेके कितना अभी समय बाकी है? टोटल मैं चाहता हूं कि आप जनता को पूरा बताइए कि वहां पे क्या स्थिति समय आपको दिख रही है। जी मनीष जी, आपको बता दें कि इस वक्त मैं लखनऊ के ऐशबाग स्थित ऐतिहासिक रामलीला मैदान में हूं, जहां माना यह जाता है कि जब रामचरितमानस लिखा गया तो यही आकर और सबसे पहले जो पाठ शुरू हुआ, और पाठ शुरू करने का बस एक ही वजह था कि जो लोग रामायण को पढ़ नहीं सकते थे
वो मंचन के द्वारा रामायण को समझें और उससे जो तमाम सकारात्मक चीजें हैं उसको सीखें। आपका सवाल पे अगर आए तो मौसम का कहीं भी असर दिखने वाला, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखाएं कि कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं। ठीक पीछे आप मंच देख रहे हैं, मंच पर जो आखिरी पाठ होता है रामायण का उसको फरमाया जा रहा है और उसके ठीक बाद मेरे ठीक पीछे जो पुतला आप देख रहे थे उसको रावण दहन का कार्यक्रम होगा। अभी अगर बात करें तो रामायण का आखिरी अध्याय चल रहा है और आप कैमरे में जो आपको भीड़ दिख रही होगी इससे साफ तौर से देख सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है इस रामायण को लेकर और खासकर इन सब चीजों को लेकर। वहीं आपको बताएं कि अगर बात की जाए तो आज के दिन को असत्य पे सत्य का विजय का दिन कहा जाता है। वहीं अगर बात की जाए तो इस रामलीला की ऐतिहासिक मैदान जो है यहाँ 16वीं शताब्दी से रामचरितमानस का पाठ और रामायण को प्ले किया जाता था। वहीं आपको बता दें कि जब रामायण लिखा गया तो उसके लेखकों ने ये सोचा और उनकी मंडलियों ने कि जो निरक्षर है, जो पढ़ने में असमर्थ है, जो अगर बात की जाए उस समय तो बस कुछ ही तबका था जो पढ़ा लिखा था, तो हर लोगों तक रामायण पहुंचाने को लेकर कहीं ना कहीं रामायण का पाठ शुरू किया गया। और मेरे ठीक पीछे रामायण का जो आखिरी पाठ होता है जिसमें रावण का वध होता है, रावण का दहन का कार्यक्रम होता है, वो आप ठीक कैमरे में देख रहे हैं कि यहाँ पूरी तरह से तैयार है। और जो आखिरी में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं खराब मौसम की वजह से जो ये कार्यक्रम है उसमें थोड़ी सी डीले मिली, मगर आप देख सकते हैं कि महज कुछ घंटों में यहाँ पुतला तैयार कर दिया गया। और वहीं अगर बात की जाए तो इस पुतले को पूरी तरह से वाटरप्रूफ तैयार किया गया है और सरकार की तरफ से जो निर्देश है कि ग्रीन पटाखों का उपयोग करें उसको पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए इस पुतले को तैयार किया गया रावण को। और आपको बताएं कि मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार और दिखाएं आपको पीछे कि ठीक पीछे आखिरी अध्याय रामायण का चल रहा है और इसके ठीक बाद जब वहाँ आप देख सकते हैं, मैं अपने कहूंगा कि तस्वीरों में जूम करके दिखाएं, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि जूम करके दिखाएं कि रामायण का जो आखिरी पाठ है उसको यहाँ पे प्ले किया जा रहा है और हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु रामायण का पाठ सुनने और इस मंचन को देखने आए हुए हैं। वहीं आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि टीवी डिस्प्ले पे भी इसका मंचन किया जा रहा है, जिससे क्योंकि यहाँ भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और इन सभी के अगर देखें तो कहीं ना कहीं मौसम का फर्क बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर देखें तो इनके मुंह से बस एक ही अगर देखें तो सब निकल रहे हैं जय श्री राम। तो मर्यादा पुरुषोत्तम का उद्घोष करते हुए ये सभी जो भक्तगण हैं वो इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान में उमड़े हुए हैं। वहीं आपको बताएं कि सूबे के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी यहाँ शिरकत किए थे। और वहीं अगर बात की जाए तो अभी अगर देखें तो उन्होंने साफ तौर से प्राइम टीवी से एक्सक्लूसिव खास बातचीत में कहा कि जो बुराइयां हैं उस पर अच्छाइयों का जीत का त्यौहार है और हमारी सरकार लगातार जो धार्मिक जगह है उसके उद्धार पे लगी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब 2017 से 2022 की सरकार थी उस वक्त रामलीला मैदान में कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से यहाँ हॉल बनाया गया, ऑडिटोरियम बनाया गया और जहाँ पे सैकड़ों सालों से जहाँ मंचन किया जाता था रामायण का, उस जगह पे एक बेहतरीन स्टेज का निर्माण हमारी सरकार के द्वारा किया गया। अब देखने वाली बात ये होगी मनीष जी कि जहाँ आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि लोगों के अंदर उत्साह भारी मात्रा में देखने को मिल रहा है, साथ ही जो मौसम का मिजाज था पूरे दिन कि लगभग उत्तर प्रदेश के 51 जिलों में भारी मूसलाधार बारिश देखने को मिली, साथ ही साथ लगभग 1.2 सेंटीमीटर की बरसात जो हुई है उसका कहीं भी असर लखनऊ के इस ऐशबाग में देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर बात करें तो यहाँ हजारों की संख्या में लोग दूर दराज से आए हैं। अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था जो बाराबंकी से आए हुए थे, कुछ लोग सीतापुर से आए हैं, तो आसपास के जो जिले हैं वहां से भी लोग आए हुए हैं और इनका उत्साह जो है वो कहीं ना कहीं जो मौसम का मिजाज था वो बदल नहीं सका। जी मनीष जी, मैं देख पा रहा हूँ कि रामलीला के आप वहाँ पे खुद मौजूद हैं और वहाँ पे कितनी भीड़ आपको दिखाई, बड़ी संख्या में वहाँ पे श्रद्धालु भी मौजूद हैं जो रावण का दहन आज देखेंगे और इतना उत्साह देखने को मिला है जैसा कि आज मौसम रहा है। सुबह से ही बारिश हो रही थी लखनऊ में और 51 जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिसके तहत बहुत जगह पर रावण का दहन तला भी है और बहुत जगह रावण का पुतला भीग भी गया है, लेकिन उसके बाद भी इतना उत्साह देखने को मिला है। आयोजकों ने भी बहुत ही जल्दी इसको तैयार कर दिया
और मैं देख पा रहा हूँ कि जिस तरह के पीछे आप रामलीला का मंचन चल रहा है, जहाँ पे आपने जैसी जानकारी दी कि वहाँ पे आखिरी अध्याय है और बहुत जल्दी ही रावण का दहन होगा, मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे जो आयोजक हैं या फिर वहाँ पे जो जनता है उनसे भी थोड़ी सी बात करने की कोशिश करिए कि वो आज के दिन को कैसे देख रहे हैं और कितना उत्साह उनके अंदर है आज को। जी मनीष जी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि प्रोटोकॉल के मुताबिक अभी अगर बात करें तो यहाँ आरएएफ लगाई गई है और आरएएफ की टुकड़ी यहाँ सुरक्षा का इंतजाम देख रही है, पूरी मुस्तैदी के साथ ये जवान पूरी सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं। वहीं लखनऊ कमिश्नरेट की लखनऊ पुलिस भी हर एक गेटों पर तैनात है, जिनका साफ तौर से देखें तो जो अजावक तत्व है उन पर नजरें बनाए हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। अपने सहयोगी विजय से कहूंगा कि वो आपको इस टीवी स्क्रीन को दिखाएं जो हम देख पा रहे हैं, जिसमें जो रामायण का आखिरी अध्याय है इसको प्ले किया जा रहा है। और वहीं अगर देखें तो आप ठीक है, आप अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखाएं कि सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ आरएएफ की टुकड़ियों को लगाया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब महज कुछ ही सेकंड के अंदर जो बुराई पे अच्छाई का जीत का त्यौहार है यानी कि दशहरा, उसको मनाने के लिए जो तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं, साथ ही आप वाटरप्रूफ टेंट देख रहे हैं, ठीक वाटरप्रूफ रावण की पुतले को देख रहे हैं, उसे भी महज कुछ ही देर में यहाँ जो आखिरी अध्याय चल रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ जो मैं देख पा रहा हूँ, अभी अगर मंच की बात करें तो मंच पर रामायण का आखिरी अध्याय जिसमें जो रावण और राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का संवाद होता है उसे फरमाया जा रहा है और महज कुछ ही समय के अंदर रावण के पुतले का दहन होगा। जी हिमांशु, रामचंद्र ने 9 दिन तक माँ दुर्गा की उपासना की थी, उसके बाद 10वें दिन रावण पर विजय प्राप्त करी थी, उनका वध किया था। इसी त्यौहार को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। बड़ी संख्या में आज श्रद्धालु वहाँ पे मौजूद हैं, इस रावण के बुरे कर्मों के जो प्रतीक थे उनकी आज दहन का होगा और जिसपे अच्छाइयों की जीत होगी। राम की अच्छाइयों की जीत और बुराइयों पर अच्छाई की जीत त्यौहार के रूप में दशहरा हम मनाते हैं और इतनी बड़ी संख्या में जो आज दर्शक वहाँ मौजूद हैं और इस उत्साह को देख रहे हैं, मैं भी आपके माध्यम से देख पा रहा हूँ और प्रशासन ने भी जो व्यवस्था कर रखी उसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगा। जी मनीष जी, आपको बता दें कि पूरी तरह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अगर बात की जाए तो आरएएफ की यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ी यहां लगाई गई है। आप देख सकते हैं कि लगभग सैकड़ों की संख्या में आरएएफ के जवान यहां तैनात किए गए हैं जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम को अगर बात करें तो पूरी तरह से, साथ ही साथ यूपी पुलिस के जवान यानी कि लखनऊ कमिश्नरेट के भी जवान यहाँ तैनात है जो हर एक अजारक तत्वों पर नजर बनाए हुए हैं। और साथ ही अभी बात करें तो ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है और वहीं यहां आसपास गाड़ियों की पार्किंग की बात करें तो ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और सड़क में आवागमन न बंद है, इसको लेकर पूरे अलर्ट मोड में बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ काम किया जा रहा है। और बात करें तो इस ऐतिहासिक मैदान की, तो इस ऐतिहासिक मैदान की लगभग 16वीं शताब्दी के कुछ किताबों में उल्लेख है। साथ ही माना यह जाता है कि जब रामचरितमानस लिखा गया तो उसके मंचन को किया गया कि जो निरक्षर है यानी कि जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे रामायण तक कैसे पहुंचाए और रामायण में जो सकारात्मक चीज़ें हैं जिसमें आत्मबल, साथ ही साथ एक अच्छा व्यक्ति कैसे जीवन में अपना नाम करके और समाज को बेहतर बनाने का काम करता है, उससे सभी पाठों को लोगों को पढ़ाने के लिए जो रामचरितमानस के लेखक थे साथ ही साथ उनके सहयोगी थे वो देश भर में साथ ही साथ भारत उपमहाद्वीप में हर एक जगहों पर मंचन किए और लोगों तक रामायण को लोगों तक मंचन के माध्यम से पहुंचाएं। अगर बात की जाए तो आप अगर लगभग दो सदी पहले चले यानी कि लगभग 2 दशक पहले चले तो एक रामायण का अलग ही क्रेज हुआ करता था, जिसमें आप अगर देखें तो लोग जब रामायण आता था तो उस वक्त लोगों के पलक बिठा कर और रामायण का इंतजार करते थे और जो किरदार थे उनको हूबहू राम के जैसे पूजा करते थे। और जब भारत में टेलीविजन आया तो प्रमुख कुछ धारावाहिक शुरू हो, उसमें से एक था अरुण गोविल का रामायण। अगर बात की जाए उस रामायण की तो आज भी लोगों के जहन में अरुण गोविल राम के जैसे ही है और कहीं ना कहीं उन सभी धारावाहिकों से लोग रामायण को समझे, साथ ही साथ उसमें जो सकारात्मक चीजें थी, साथ ही जो बुराई पे अच्छाई की जीत थी उसको
लोग समझे। और बात की जाए तो अब कुछ ही समय के अंदर जो ठीक पीछे पुतला दिख रहा है, लगभग बात की जाए तो लखनऊ के अंदर में ये सबसे बड़ा पुतला है। और बात की जाए एक हैरतगंज जो ये प्रशासन है, जो इस रामलीला मैदान का कमेटी है, उसके एक सराहनीय कार्य आपको देखने को मिल रहा है कि महज कुछ ही घंटों के अंदर वो जो आज बारिश ने पुतले को तबाह कर दिया था, उसके बावजूद कुछ ही घंटों के अंदर यहाँ का प्रशासन ये नए जो पुतला आपको सामने दिख रहा है उसे बना दिया गया। और कहीं ना कहीं ये काबिले तारीफ है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आसपास के छतों पे भी लोग बैठकर, जो आस पड़ोस के लोग हैं वो छतों पे भी बैठकर और रामलीला का मंचन को देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे। साथ ही साथ अभी वो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो घड़ी आएगी जब अहंकारी और साथ ही साथ जिसे अपने विद्या का गुरूर था, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो बाप बाप मैं आपका कह रहा हूँ कि असत्य पर सत्य का विजय को मनाने के लिए लोग उत्साहित हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो मंच को दिखाएं, और मंच पे आप देख रहे हैं कि रामायण का आखिरी अध्याय को यहाँ प्ले किया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं यहाँ लोग बड़े दिलचस्पी के साथ, आस्था भावना के साथ लोग अपनी पलकें बिछाए हुए देख रहे हैं। और यहाँ अगर बात की जाए संख्या की तो हजारों की तादाद में यहाँ संख्या लोगों की है। और बात की जाए तो पहले बारिश ने कुछ यहाँ पे खलल डाला, मगर पानी को यहाँ से निकाल कर साथ ही साथ कुर्सियों को सुव्यवस्थित ढंग से रख कर और फिर से रामायण का मंचन की शुरुआत की गई। और कहीं ना कहीं ये ऐसबाग के रामलीला जो ग्राउंड है उसका जो कमेटी है उसका एक बेहद ही सराहनीय काम है कि उन्होंने जल्द से जल्द इस पूरे जो प्रांगण है वहाँ से पानी को निकाल कर और इस मैदान को दर्शकों के लिए तैयार किया, श्रद्धालुओं के तैयार किया। और बात की जाए तो अगर अभी बात करें ताज़ा में, तो जहां तक हमारी कमेटी से जानकारी मिली है तो लगभग 9 बजे के करीब पुतले का दहन किया जाएगा। जी आशु, देश भर में आज दशहरा धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं विजयदशमी में देश भर में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जा रहे हैं। असत्य पे सत्य की जीत का ये त्यौहार, जिसमें तीनों रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ को पुतले जलाए जाएंगे। इस त्यौहार पर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक के रूप में माना जाता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को सख्त से सख्त निर्देश दे रखे हैं कि कोई भी अप्रिय घटना वहां पे ना हो पाए। चलिए थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक इस दशहरे में असल में दो कहानियों के रूप से इसे जाना जाता है। पहला तो यह है कि जब शारदीय नवरात्रि में दशमी तिथि के दिन माँ दुर्गा ने चंडी का रूप धारण करके महिषासुर नामक असुर का वध किया था। माँ दुर्गा ने लगातार 9 दिन तक महिषासुर और उनकी सेना से युद्ध किया था और 10वें दिन महिषासुर का अंत किया था। इसी पर बाद उनकी विजय हुई थी। इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण का वध किया था। राम ने 9 दिन तक माँ दुर्गा की आराधना की, उपासना की, उसके बाद 10वें दिन रावण पर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए इस त्यौहार को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। और आज पूरे देश भर में इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु बहुत ही उत्सुक हैं रावण दहन को देखने के लिए। आपके पीछे भगवान श्री राम का रामलीला का मंचन भी चल रहा है, जिसमें अध्याय अंतिम अध्याय है जिसमें रावण का वध होगा। उसके बाद ही आपके पीछे जो पुतला रावण का है प्रतीक स्वरूप में, एक अहंकारी और अत्याचारी के उसमें आज उसका भी अंत होगा। रावण के बुरे कर्मों पर भगवान श्री राम की अच्छाई की जीत होगी, बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। त्यौहार का रूप दशहरा में मनाते हुए इस दिन रावण के साथ उनके पुत्र मेघनाथ और भाई कुंभकर्ण के भी पुतले फूके जा रहे हैं। विजयदशमी विजय का दिन है। कुछ लोग इसे रामायण संघर्ष के रूप में भी जानते हैं, अन्य लोग इसे राक्षसी महिषासुर और देवी दुर्गा की विजय की याद में भी इसे मनाते हैं। देश के कुछ क्षेत्रों में तो दशहरा दीपावली महोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। दशहरा के 20 दिन बाद दीपावली और रावण पर अपनी जीत के बाद भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद घर लौटे थे। विभांशु, इस समय वहाँ पे क्या स्थिति है? मैं थोड़ा सा और जानना चाहूंगा कि कितना समय लगेगा इस रावण दहन में। जी मनीष जी, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार जो रामलीला मैदान है, ऐतिहासिक मैदान है, वहाँ लगभग देखा जाए तो 400 से 500 सालों के इतिहास में पहली बार, आपको मैं सहयोगी से कहूँगा कि दिखाएं कि पहली बार महज रावण का पुतला बनाया गया है। अगर बात की जाए तो पिछले विगत सालों की अगर बात करें तो मेघनाथ और साथ ही साथ अगर देखें तो कुंभकर्ण के भी पुतले को बनाया जाता था, मगर इतिहास में पहली बार रामलीला मैदान जो
कि पूरे देश में प्रसिद्ध है। साथ ही साथ 2016-17 के अंदर में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ रामलीला के इस मैदान में सम्मिलित हुए थे और साथ ही उन्होंने कहीं ना कहीं जो 2019 के चुनाव के पहले उन्होंने इस मैदान में सम्मिलित होकर और इसका गौरव बढ़ाया था। साथ ही आपको बताएं कि अगर देखा जाए इस बार हर हाल बार की भली भांति इस बार जो रावण है उसका कद छोटा है। मैं अपने सहयोगी कहूंगा कि एक बार लोग अपने कैमरे से जूम करके दिखाएं कि इस बार का जो रावण है वो डिजिटल युग का वो पहले के बदले इस बार छोटा हुआ है और महंगाई का असर कहीं ना कहीं दिख रहा है, साथ ही साथ मौसम का असर दिख रहा है क्योंकि इस बार मेघनाथ और साथ ही साथ कुंभकर्ण का जो पुतला होता है वो नहीं दिख रहा है और बुराई पर अच्छाई के इस त्यौहार को मनाने के लिए आज देश भर जहां साथ ही साथ देश और भारत उपमहाद्वीप साथ ही अगर बात की जाए तो 8% वाले बांग्लादेश 91% वाले नेपाल में भी इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो राजधानी लखनऊ का ये जो प्रतिमा ठीक सामने आप कैमरे में देख रहे हैं ये 55 फीट की ये लगभग बनाई गई है। साथ ही साथ आपको बताएं कि अगर बात किया जाए तो जो पुतला आज बारिश के चलते नष्ट हो गया है वो 100 फीट का बनाया गया था। वहीं अगर देखें तो राजधानी लखनऊ में कई जगहों पर रावण के पुतले को जलाया जाता है मगर इस बार का जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मौसम के चलते कई जगहों पर रावण का जो पुतला है उसके दहन की तिथियों में बदलाव किए गए हैं मगर बात की जाए तो इस ऐतिहासिक मैदान में वो जो परंपरा है उसको टूटने नहीं दिया गया है और मौसम की मार के बावजूद भी और जो तमाम श्रद्धालु हैं दर्शक हैं उनके उत्साह को देखते हुए जो यहाँ का प्रशासन है वो महज कुछ ही घंटों के अंदर नए वाटरप्रूफ रावण का पुतला तैयार करके यहाँ खड़ा कर दिया है। वहीं अगर बात की जाए तो मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ अपने चारों दिशाओं में हमें बस मुंड ही मुंड दिख रहा है जिसका अर्थात यहाँ भारी संख्या में लोग हजारों की संख्या में लोग अपनी आस्था को अपने श्रद्धा को लेकर यहाँ आए हुए हैं। अगर मैं बात करूँ तो मंच पर अभी आखिरी अध्याय का जो कुछ क्षण है वो चल रहा है जिसमें अगर बात की जाए तो अभी रावण और राम का संवाद चल रहा है जिसमें जो रावण था उसको मर्यादा पुरुषोत्तम राम का पहचान हो गया था कि मैं एक देव से लड़ रहा हूँ ना कि किसी मनुष्य ना कि किसी ऐसे व्यक्ति से जिससे मैं मुकाबला कर सकूँ क्योंकि अगर देखा जाए तो पुराणों के और पौराणिक इतिहास में रावण को एक अहंकारी और साथ ही साथ गुरु वाला व्यक्ति बताया गया है। वहीं अगर बात करें पौराणिक इतिहासों की तो रावण एक दुनिया का उस वक्त का सबसे शक्तिशाली और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। अगर बात करें तो उसने शिव जी को भी अपने वश में कर लिया था। साथ ही साथ अगर देखें तो उसके कई सारे सपने थे। अगर सपनों की बात करें तो वो स्वर्ग से लेकर और जमीन से स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना चाहता था और बात करें तो उसके सपनों में से एक सपना ये भी था कि समुद्र का पानी मीठा हो जाए, रक्त का जो रंग है वो सफेद हो जाए। तो ऐसी कई सारे अपनी कामनाओं को लेकर अपने अहंकार के चलते वो डूब गया और कहीं ना कहीं वो देव को पहचानने में उसकी भूल के चलते उसका वध हुआ। साथ ही साथ इस अहंकार को कहीं ना कहीं देखा गया कि एक बुराई पर या अच्छाई का जो त्यौहार है उस पे जो रावण है उसकी जो उससे युद्ध से पहले कहीं ना कहीं जो राम थे वो जो एक तरफ जहाँ माँ काली और जो माँ देवी के 9 रूप थे वो महिषासुर से उनके बीच संघर्ष चल रहा था और संघर्ष के ठीक बाद आज ही के दिन यानी कि 10वीं के दिन आज महिषासुर का जहां एक तरफ वध किया गया था दूसरी तरफ भगवान राम यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अहंकारी रावण का वध किया था और इसके 14 वर्ष का जो वनवास था उसके ठीक कुछ दिन के बाद पूरा हुआ था जिसे हम विजयदशमी के तौर पर माफ करिएगा हम दिवाली के तौर पर मनाते हैं जिसे हम कहीं ना कहीं दियों का त्यौहार माना जाता है और कुछ ही अगर देखें तो इस महीने में ही वो त्यौहार पड़ता है और 10 से 15 दिनों में त्यौहार होगा। उस त्यौहार में जब राम जी अयोध्या वापस लौटे थे अपने 14 वर्ष के वनवास को काटकर तो माना यह गया कि उनके आगमन पर पूरे विश्व भर में जहां जहां उस व्यक्ति उस समय दीप जलाने की जगह थी वहां वहां दीप जलाई गई थी और उससे ठीक पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के दिन को
हमारे पुराणों में कहा जाता है कि आज ही के दिन अहंकार पर सत्य की विजय हुई थी, साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम के तीर के से, जो उनकी एक तीर थी उससे रावण का वध हुआ था। और वहीं अगर बात की जाए तो रावण की जो आपने रामायण देखी होगी, हमारे दर्शकों ने रामायण देखा होगा, तो इसमें जो आप देख रहे हैं कि 10 मुंड बनाए गए होते हैं, तो इसे जो रावण था वो अपने तपोबल से, अपनी तपस्या से भगवानों के जो तमाम, अगर देखें तो भगवान की तपस्या करके उसने 9-10 सिर मांगा था। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो भगवान राम जो लगातार अपने युद्ध कर रहे थे उस समय आपने देखा कि एक एक सर को वो काटते जा रहे थे, मगर नया सर उत्पन्न होते जा रहा था। मगर उसमें आपने देखा कि हर एक बुराइयों में भी एक अच्छाइयाँ होती है, जिसका प्रतीक विभीषण थे, और विभीषण की वजह से ही कहीं ना कहीं उसके भाई और अहंकारी रावण की रावण का खात्मा हो सका था, उसका वध राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम कर सके थे। जी मनीष जी, कितना समय लगेगा वहां पर रावण दहन होने में? विभांशु, वहां पे अभी कितना समय लगेगा रावण दहन होने में? के वो नारे लगा रहे हैं। और अगर बात की जाए तो अब भगवान श्री राम अपने आखिरी तीर को, विभीषण और जो राम है उनका संवाद खत्म हो चुका है, और महज कुछ ही सेकंड के अंदर अब रावण का वध होने ही वाला है। और देखने वाली बात यह होगी मनीष जी, जहां मौसम की मार के बावजूद जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनका उत्साह खत्म होने को नहीं है। अब महज कुछ ही समय के अंदर जो वध का कार्यक्रम है, यानी कि रावण का दहन है, उसे किया जाएगा। उसने स्वतः स्वर्ग तक अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया था। बहुत भय था मेघनाथ का, और कुंभकर्ण का भी, जो कहा जाता है कि कुंभकर्ण इतना पराक्रमी था कि और इतना आकार में बड़ा था कि जब वो चलता था तो उसके नीचे ही बड़ी संख्या में शत्रु दब के मर जाते थे। तो एक ही बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव के दो भाई थे, तो रावण दहन के बाद भगवान श्री राम अयोध्या पहुंचे, जहां अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया। इसी दिन के बाद से दीपावली के त्यौहार को मनाया जाता है। दशहरा त्यौहार का मुख्य संदेश बुराई पर अच्छाई के जीत का है, और इसी दिन लोग समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना भी करते हैं। इस दिन पूजा होती है, इस पूजा में माता लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है, और भगवान श्री राम से ऐशबाग से रामलीला का मंचन हो रहा है, जहां पे रावण दहन का जल्दी ही कार्यक्रम संपन्न होगा। माता विभांशु मौजूद हैं, पल पल की खबर हमको दे रहे हैं, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं वहाँ पे रामलीला का मंचन चल रहा है, आखिरी अध्याय चल रहा है, जिसमें भगवान श्री राम जल्दी ही रावण का वध करेंगे और उसके बाद रावण दहन का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट पर रखा है, जिससे कोई भी अप्रिय घटना ना हो पाए। देश भर में आज दशहरा धूमधाम से मनाया जा रहा है। विजय दशमी पर देश में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला जलाया जाएगा। फिलहाल हम पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे, तब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।